गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। आज का कुछ प्लान है संडे राइड मुंबई में करने का, तो अभी देखते हैं। फिलहाल कुछ ना नाइट राइड का प्लान बना था, बट घर वाले मान रहे नहीं थे, कुछ कर्फ्यू वगैरह कुछ बता रहे थे, बोला कौन फालतू में बम्बू खाएगा। और आज के हमारे एक साथी है राइडर, अभी मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, अभी इसको ही पता है, तो देखते हैं अभी कहाँ जाना है, वहाँ पर मिलते हैं सभी लोग। अर्ली मॉर्निंग राइड का एक अलग ही मज़े है। सुबह सुबह मुंबई में खाली सड़कें वैसे देखने को मिलते नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग राइड में मस्त सुबह खाली सड़कें मिलते हैं, एक ठंडा हवा रहती है, कोई टेंशन नहीं, आराम से चलाओ मज़े लेके। तो अभी तो मुझे फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं अभी आगे, तो हम आज तो हमें घूमना ही है, डिसाइड तो ये हुआ है। अभी फ़िलहाल तो हमें विटी जाना है, विटी में कुलाबा जाएंगे या शायद से मरीन लाइन्स में एक पॉइंट है जो मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मैं वहाँ पे गया नहीं। मरीन लाइन्स तो बहुत बार गया हूँ, तो अभी मैं पिंटा गया था तो वहाँ पे चला जाऊँगा, मुझे भी नहीं पता, तो अभी देखते हैं वहाँ पे जाके। और अभी ये मेरे राइट साइड में है गिरगांव चौपाटी, ये मतलब वही मरीन लाइन्स और गिरगांव चौपाटी बहुत दूर नहीं, नज़दीक ही। अभी बहुत टाइम लॉकडाउन के पहले तो मैं आया था, बट उसके पहले मतलब कुछ शायद से 2019 में यहाँ पे आके गया था, उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आ चुका हूँ, और वो भी फर्स्ट टाइम बाइक पे। मैं बाइक पे कभी भी यहाँ पे नहीं आया हूँ, तो अभी तो ये मुझे बोल रहा है कि अभी हमें सीधा जाना है एंड में, मुझे नहीं पता एंड में कहाँ लेके जाएगा। शायद से वहाँ पे ना संजय दत्त की मूवी में देखा था, उसने मुझे खुद बताया था कि यहाँ पे संजय दत्त का मूवी का शूटिंग हुआ था, और मुझे भी कुछ आइडिया नहीं। अभी देखते हैं, शायद से पहुँच गए हम वहाँ पे, आई गेस तो वहाँ पे पहुँच गए। तो अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, अभी बहुत शायद से एक घंटे हम वहाँ पर ही बैठे थे, तो अभी तभी ना बहुत सारे लोग थे, और मुझे ना ब्लॉगिंग करने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि पूरा माइक का सेटअप वगैरह लगा के, तो मतलब सभी लोग ऐसे देखते थे। मैं तो अभी नया हूँ, मुझे उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो आगे जाके वो हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं, तो तब भी मुझे ब्लॉगिंग करने का मौका मिला नहीं। तो शायद से मैं सोच रहा आज पूरा मोटो ब्लॉग ही कर दूँ, मोटो ब्लॉग में सिर्फ बाइक पे ही करना है ब्लॉगिंग, तो मेरा कुछ ऐसा ख्याल ही पुलाव पक रहा है मेरे दिमाग में फ़िलहाल तो। पर फिलहाल तो आप ये नज़ारा देखिए, मतलब ना कभी 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 कभार है ना, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मुंबई में बहुत कुछ अलग ही फील आता है सुबह और नाइट में, जब रोड मुंबई की सड़कें खाली खाली रहती है। और यहाँ पे देखिए लोग सुबह सुबह बाइसिकल राइडिंग कर रहे हैं, और हम दोनों हैं जो बाइक राइडिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। वैसे हम ही सुबह में बहुत लोग आते हैं बाइक राइडिंग कर रहे हैं मॉर्निंग के लिए, कभी तो बाइसिकल का राइडिंग भी किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास बाइक साइकिल नहीं है, कभी कुछ तो जुगाड़ लगे कि वो भी किया जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत मन है, बहुत टाइम से मन है कि मुझे साइकिल चलाना है मॉर्निंग में। कुछ दोस्त है जो साइकिल भी चलाते हैं, उनका भी अलग से एक ग्रुप। ऐसी चीज़ें ना हमें इंडिया में ही देखने को मिलेगी। हमारे लेफ्ट साइड में है महालक्ष्मी जी, महालक्ष्मी माता जी का मंदिर, और उसके थोड़ा ही आगे मेरे लेफ्ट आप यहाँ पे देखेंगे शायद से थोड़ा, हाँ यहाँ पे है लेफ्ट साइड में हाजी अली दरगाह। ऐसी खूबसूरती सिर्फ अपने इंडिया में देखने को मिलती है। अभी बहुत भूख लगा था, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए शिवाजी पार्क में माइम में, यहाँ पे एक होटल है अच्छा सा, जब भी मैं आता हूँ शिवाजी पार्क में यहाँ पे मिसल पाव अच्छा मिलता है, तो अभी मैं मेरे दोस्त के साथ जाऊँगा मिसल पाव खाने। अभी मिसल पाव खा के यहाँ से आगे जाएंगे हम बैंड्रा में, देखते हैं अभी कैसा क्या है। अभी हमें एक अच्छा कैमरामैन मिल चुका है हमारे ब्लॉग के लिए। हेलो, आपका नाम क्या है? बेटा बेटा
तो अभी हम बैंड्रा आ चुके हैं, बैंड्रा फोर्ट पे। तो आज देखा जाए तो हमने पूरा दिन में सिर्फ एक ही किया काम, मरीन में गए। मरीन के बाद वर्ली सीफेस, बाद में शिवाजी पार्क, बाद में माही, अभी बैंड्रा, अभी एक ही बचा है मुंबई में भी सिर्फ जूहू चौपाटी। और ये वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अभी मुझे अभी मेरे भाई को जाना है सिद्धू नायक मंदिर बापा जी के दर्शन के लिए। कैसे जाने वाले पता हो गया? पदे यात्रा है हम लोग। यस, आपको कुछ पता है? वो जेठालाल और दया कभी भी मन्नत मांगती थी तो भुगतना जेठालाल को पड़ता था। तो अभी इसमें ये जेठालाल है, तो इनकी जो है जो दया जी है तो उन्होंने मन्नत मांगी है, तो अभी इनको भुगतना पड़ रहा है। तो एक्चुअली भुगतना नहीं बोलते, अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे ना, शायद से आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट यहाँ पे ना कुछ लोग है ना फिशिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, पहले यहाँ पे मतलब नीचे कुछ नहीं था लॉकडाउन के पहले, अभी लॉकडाउन के बाद यहाँ पे बना है। शायद से मैंने आपको एक बात नहीं बताई है, जो भी अभी मतलब मैंने जो शॉर्ट्स लिए थे, जो सिनेमेटिक शॉर्ट्स थे, जो मैंने एक्शन कैमरे से लिए थे, जो भी मेरे टाइम लैप्स थे, वो सब मुझे नहीं पता कैसे हो गया, बट रिकॉर्ड थे, हमने चेक भी किए थे तभी। अभी मैं जब प्रतीक्षा नगर गया था, मेरे दोस्तों के साथ बैठा था, उसके बाद मैंने जब फिर से चेक किया तो उसमें से कुछ फाइल्स नहीं थी। अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है खुद पे, बट ठीक है, अभी हो जाता है और उससे थोड़ा सबक भी मिला मुझे। तो अभी अगली बार ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अगर फिर से ऐसा कुछ हो गया ना तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मुझे लगाना पड़ेगा इसके बारे में। यूं ही चल रहा इतना ही मुझे गाना आता है, गाने की वाट लगाता हूँ। जो भी इस गाने को कंपोज किया रहा है, क्या है, पूरे गाने की वाट लगा, इतना अच्छा गाना है, इस गाने की वाट लगा दी इसने। सो राइट नाउ इट्स 2:30 इन द नाइट और यहाँ पे चल रहा है एडिटिंग, मतलब बहुत वक्त हो चुका है एडिटिंग। ये ब्लॉग लास्ट संडे को ही शूट किया था और अभी इसका एडिटिंग हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत डिले हो चुका है कि अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं आए। उसका रीज़न तो अभी आपको वीडियो में भी पता चल चुका है, क्योंकि उस दिन भी संडे राइड करने के बाद भी मुझे कॉल आया कि मुझे अर्जेंटली जॉब पे आना है, कुछ काम था। अभी 31 मार्च अभी ईयर एंड होने वाला है, तो बहुत काम पेंडिंग था। तो लास्ट वीक तो मैं पूरा मतलब काम पे इतना बिजी हो गया था कि ना मुझे जिम जाने के लिए वक्त मिला है, ना एडिटिंग करने के लिए वक्त मिला। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी है फिलहाल कि मुझे ये वीडियो एडिट करके मुझे कल सुबह डालना है 10 बजे तक। ये होने के बाद अभी तो फ़िलहाल मैं सोने वाला नहीं, क्योंकि अभी मॉर्निंग तो ऐसे भी हो जाएगी, तो 5 बजे मैं तो चले जाऊँगा जॉगिंग के लिए। राइड का प्लान बना है, तो राइड का प्लान बना है इसलिए मुझे कुछ उसके लिए राइडिंग गियर्स खरीदने हैं। आई होप सो मुझे सभी राइडिंग गियर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे वो जो शॉप है वो मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था कि जब मॉर्निंग में जॉगिंग में जाके फिर आराम से आके सो के बस आराम से उठ के नाश्ता करके सीधा मैं मेरे साथ पिंटर आने वाला है। वाला पार्ट मैं अभी इसलिए बना क्योंकि तब मुझे इतना अर्जेंटली जाना पड़ा कि मुझे तब ब्लॉग एंड करने का वक्त भी नहीं मिला। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। मेरे दिमाग में ना एक ख्याली पुलाव पक रहा है कि अपने वीडियोस के लिए कुछ अच्छा सा एक स्लोगन तैयार करूँ, जिससे मतलब हमें इंट्रो देने के लिए भी आसानी होगी और कुछ अच्छा तरीके से लगेगा। तो कुछ उसके बारे में सोचेंगे। बाय। कट कर।